अच्छा हिंदुसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। मैं सबसे पहले तो शाहीन बाग के उन ख़वातीन को, उन मेरे माओ और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ जो अपना घर अपना परिवार छोड़कर आज शाहीन बाग पर बैठे हैं। तो वक्त का तकाजा यही है कि आज हिंदुस्तान के हर शहरी हर नागरिक का फ़र्ज अव्वल है कि वो रोडों रोड पर आकर एहतजाज करे और ये फिरका परस जमात बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे। नरेंद्र मोदी अमित शाह को शर्म आना चाहिए जो आज हिंदुस्तान की जनता रोडों पर आकर एहतजाज कर रही है, लेकिन वो अपने हुकूमत के लिए अपने पावर के लिए अपने ज़िद पर कायम है। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम से यही अपील करूंगा कि हमें डरने और फिक्र करने वाली बात नहीं है। ज़रूर बज़रूर इनको NRC बिल वापस लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उखाड़कर फेंका, तो ये लोग क्या चीज़ है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इनके फिरका परस्ती बातों में मत जाए, इनके ये साजिशों में मत जाए। आज ये भौखलाए गए, ये परेशान है कि आज हर कम्युनिटी का हर मजहब के लोग इत्तेहाद और देशभक्त होने का सबूत पेश कर रहे हैं। तो मैं फिर एक मर्तबा तमाम से अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों से निकलकर एहतजाज करें। और मैं वो स्टूडेंट्स के जज्बात को सलाम करता हूँ जिन्होंने आज हिंदुस्तान की एकजुट होकर ये काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। जय हिंद। थैंक यू।